नमस्कार ट्रेनर्स, मैं शिमायला, कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में हमने परिणाम आधारित लर्निंग के एटा मॉडल के बारे में सीखा, मतलब कि परिणामों की स्थापना करना, ट्रेनिंग डिजाइन करना, ट्रेनिंग डिलीवर करना और फिर उस ट्रेनिंग की उपयोगिता का आकलन करना। पिछले वीडियो में हमने ट्रेनिंग डिलीवरी के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम उसी पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि अब आप लोग क्रियाकलाप आधारित लर्निंग के बारे में समझ ही चुके होंगे। जैसे जैसे आप निष्क्रियता से सक्रियता की ओर बढ़ते जाते हैं, आपके सीखने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव लर्निंग के स्तरों को याद करें। वहाँ उच्च स्तर के लर्निंग होते हैं विश्लेषण, सीमांकन, रचना और मूल्यांकन। मतलब कि लर्नर तभी किसी चीज का विश्लेषण, सीमांकन, रचना या मूल्यांकन कर सकता है जबकि वो आपके ट्रेनिंग सेशन में नियमित रूप से भाग लेता हो और सक्रिय हो। यही वजह है कि आपके ट्रेनिंग सेशन को क्रियाकलाप आधारित होना चाहिए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रियाकलाप आधारित ट्रेनिंग सेशन केवल स्किल सेशन के लिए हो सकता है और थ्योरी बेस्ड सेशन में केवल ज्ञान की बातें होती हैं जिसमें आप कोई क्रियाकलाप नहीं कर सकते। लेकिन ये सही नहीं है। ज्ञान संबंधी सेशन और थ्योरी सेशन में लर्नर को किसी चीज को याद रखवाने और समझाने के लिए क्रियाकलाप सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकता है। किसी क्रियाकलाप को डिजाइन करने के लिए कुछ सिद्धांत हैं। पहला है समूह अवधारणा। किसी क्लास में लर्नर को समूहों में विभाजित करके क्रियाकलाप कराना सबसे ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि उन्हें एक समूह में प्रशिक्षित किया जाता है। लर्नर अपने आप को अकेला नहीं महसूस करता और उसका डर और उसकी शर्म कम हो जाती है। अगर उन्हें किसी तरह का संदेह रहता है तो वो आपस में एक दूसरे से पूछकर उसे दूर कर सकते हैं। साथ ही इससे एक नेचुरल लीडर भी उभर कर सामने आता है। मतलब एक ही समय में ट्रेनर अलग अलग समूह के लिए अलग अलग लीडर तैयार कर सकता है। लर्नर समूह में काम करने के नियम और सामाजिकता भी सीख लेता है। इससे टीम भावना को भी प्रोत्साहन मिलता है। अगर कोई लर्नर सुस्त हो और उत्साह नहीं दिखाता हो तो ग्रुप उस पर भागीदारी करने के लिए दबाव बना देता है। ऐसे में ट्रेनर का काम आसान हो जाता है। क्रियाकलाप आधारित ट्रेनिंग में हमेशा ग्रुप के बीच कंपटीशन कराने की कोशिश करें जिसके लिए समय निर्धारित हो। एक ट्रेनर के रूप में आपको हर सत्र की योजनाएं बनानी होंगी जिससे कि सिलेबस के किसी खास हिस्से को निर्धारित समय में पूरा किया जा सके। अगर किसी खास क्रियाकलाप को पूरा करने के लिए समय निर्धारित नहीं है तो फिर इसका सिलेबस पर बुरा असर पड़ सकता है। समय का दबाव होने से और जीतने की इच्छा से टीम का प्रदर्शन बढ़ जाता है। वहीं अगर समय निर्धारित ना हो तो लर्नर काफी सुस्ती दिखाते हैं और उत्साह भी कम हो जाता है। क्रियाकलाप आधारित लर्निंग का तीसरा पहलू है क्रिया का प्रारंभ और अंत। जब आप गतिविधि का संचालन करते हैं और खासकर कोई भूमिका निभाते हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर एक निर्देश और परिदृश्य के बारे में लर्नर को बताएं और उसे उसकी भूमिका भी समझाएं जिससे कि लर्नर को ये समझने में दिक्कत ना हो कि उससे क्या उम्मीद की जा रही है। अगर ट्रेनर उसे ये बात किसी उदाहरण के सहारे बताए तो ये और भी अच्छा होगा। इससे ये चीज तय हो जाएगी कि लर्नर अपनी गलतफहमी के चलते सीखने का मौका नहीं गंवा दे। क्रिया के अंत में सभी लर्नर को ये बता देना चाहिए कि क्रियाकलाप या फिर जिस तरह की भूमिकाएं निभाई गई हैं उसके किसी भी हिस्से का इस्तेमाल किसी के साथ अनुचित व्यवहार करने के लिए या फिर क्लास के बाहर जाकर मनोरंजन के लिए ना करें। चौथा पहलू है परिचर्चा और गहन चिंतन। सभी क्रियाकलाप के अंत में ये निश्चित रूप से अनिवार्य हो जाता है कि लर्नर वाद विवाद और गहन चिंतन जरूर करें। एक ट्रेनर के तौर पर आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि क्रियाकलाप के अंत में आप किए गए कामों पर चर्चा करवाएं। ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। आप सभी से पूछ सकते हैं कि उन्हें किए गए क्रियाकलाप में क्या पसंद आया और क्या सीखने को मिला। अगर लर्नर किसी भी तरह की क्रियाकलाप में इन दो पहलुओं पर ध्यान लगाए तो फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव को आसानी से हासिल किया जा सकता है। असली लर्निंग को चिंतन के आधार पर ही हासिल किया जा सकता है, न कि उपदेश देकर।
यही वजह है कि आपको लर्नर को इजाज़त देनी चाहिए कि चिंतन करके खुद विश्लेषण करे। एक आइडियल क्रियाकलाप आधारित क्लास में ट्रेनर को क्लास के निर्धारित समय के 30% हिस्से में ही बोलना चाहिए, बाकी समय लर्नर को बोलने देना चाहिए। क्रियाकलाप क्लास का पांचवा और सबसे जरूरी पहलू है व्यवस्थित फीडबैक, जो चिंतन पर आधारित है। लर्नर से फीडबैक हमेशा व्यवस्थित रूप में लेना चाहिए। इसका मतलब है कि सभी लर्नर और ग्रुप को क्रियाकलाप के संबंध में चिंतन के बाद अपना फीडबैक देने का मौका देना चाहिए। कुछ सवाल जो आप पूछ सकते हैं वो हैं, आपने क्या सीखा? आपको क्रियाकलाप में सबसे अच्छा क्या लगा? आप इस क्रियाकलाप के बारे में क्या याद रखेंगे? इसमें क्या बेहतर किया जा सकता है? यदि आपने समूहों के बीच कोई कंपटीशन करवाया हो तो आप जीतने वाले समूह से उनके जीतने का कारण पूछ सकते हैं और हारने वाले समूहों से पूछ सकते हैं कि आप कैसे जीत सकते थे। अगर आप फिर से ये गेम खेलें तो क्या अलग करना चाहेंगे? प्रायः ट्रेनर कुछ लर्नर से एक आध सवाल पूछकर अगले टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। व्यवस्थित फीडबैक सामान्य तौर पर पूरे ग्रुप से लेना चाहिए, खासकर जब वो एक सर्कल में बैठे हों। ऐसा रोल नंबर के आधार पर लिया जा सकता है या फिर ग्रुप के आधार पर भी लिया जा सकता है। इससे ट्रेनर के निष्पक्ष होने का संदेश भी जाता है और हर किसी को बोलने का मौका भी मिलता है। फीडबैक राउंड में ट्रेनर को हमेशा सख्त रहना चाहिए, नहीं तो कुछ लर्नर ऐसे भी होते हैं जो अकेले बोलते रह जाते हैं और दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। ऐसे में ट्रेनर अपनी योजना के मुताबिक समय पर अपना सेशन भी पूरा नहीं कर पाता है। व्यवस्थित फीडबैक का मतलब ये भी है कि जब किसी लर्नर ने एक बार अपना फीडबैक दे दिया तो फिर वो अपनी बारी के बाद नहीं बोल सकता। क्या अब आप क्रियाकलाप या एक्टिविटीज बनाने को लेकर सहज महसूस कर रहे हैं? मुझे पता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि जब आप अपने क्लासरूम में रिस्क लेंगे तो आपको इसका रिटर्न भी काफ़ी मिलेगा। अगर आपकी योजनाओं के मुताबिक चीज़ें ना हों तो इसके लिए हतोत्साहित ना हों। फिर से कोशिश करें। मुझे यकीन है कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से और हिम्मत से आप सफलता हासिल कर लेंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।